Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम solve करने जा रहे हैं spring 2021 की assignment. So ये इलामा इकबाल open university की assignment है, ठीक है. ये इसके साथ ये जो अभी इस दफा जो semester चल रहा है स्प्रिंग 2021 उसकी है, ठीक है जी. इस ये बुक है कंपलसरी इंग्लिश 2 और इस असाइनमेंट्स के को तीन कोर्स जो है वो दिए गए हैं. एक है ये 14-24, ठीक है, 54-11 और 94-08, ठीक है जी. और ये किस किस के लिए, ये बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस जो है उन लोगों के लिए ये असाइनमेंट है, ठीक है जी. इसके टोटल मार्क्स 100 है और आपने पासिंग मार्क्स इसके 50 लेने हैं, ठीक है. हम आजकल काम कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 पे, जो कि यूनिट नंबर 1 से 4 पे बेस करती है. इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो मुझे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे. मैंने उन्हें बुक में से बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो मुझे कहा था कि मैम थोड़ा एक्स्ट्रा मटीरियल और दें, तो ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मटीरियल यहाँ पर दिया है. ये जी पैरामीटर्स ऑफ कंपैरिजन है. कंपैरिजन हम किन किन पैरामीटर्स पे करेंगे वो मैंने इधर ऐड किए हैं. और ये हमारे पास फॉर्मल राइटिंग क्या होती है और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है, ठीक है जी. अगर हम मीनिंग्स की बात करें तो मीनिंग में जब हम लोग फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं तो कहते हैं राइटिंग विच इज मोर प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल इन टोन. तो जिसकी टोन होती है ज्यादा प्रोफेशनल होती है और ठीक है क्या होती है, ऑफिशियली राइटिंग होती है. जबकि इनफॉर्मल राइटिंग वो होती है राइटिंग विच इज मोर पर्सनल एंड कैजुअल. जैसे हम फ्रेंड से बात करते हैं तो हम ज्यादा कैजुअल होते हैं, लेकिन जब हम टीचर से बात कर रहे होते हैं, अपने एल्डर्स से बात कर रहे होते हैं, तो क्या होते हैं, हम जरा फॉर्मली बात करते हैं. तो मीनिंग्स के हवाले से ये डिफरेंट है, ठीक है जी. पर्सनल एस्पेक्ट्स के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो लेक्स पर्सनल टच, तो जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसमें पर्सनल टच बहुत कम होता है, जबकि इनफॉर्मल राइटिंग में हैज अ पर्सनल टच टू द राइटिंग, जबकि पर्सनल टच ज्यादा होता है इसमें, ठीक है. टाइप ऑफ टोन, ये मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं. और इसे यहाँ पे साथ दोनों को अगर कोलैबोरेट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी. फॉर्मल राइटिंग क्या हैज अ प्रोफेशनल टोन टू द राइटिंग, प्रोफेशनल टोन होती है, जबकि इसमें जो है इनफॉर्मल में लैक ऑफ प्रोफेशनल टोन ऑफ द राइटिंग, यानी कि प्रोफेशनल टोन नहीं होती. टाइप ऑफ वॉइस की अगर हम बात करें तो फॉर्मल में पैसिव वॉइस और जो है इनफॉर्मल में एक्टिव वॉइस यूज होता है. यूज ऑफ कोलोकेशन कहते हैं नो यूज ऑफ कोलोकेशन, कोलोकेशन नहीं यूज करते. सॉरी क्लोकलिज्म, क्लोकलिज्म होता है लोकली हम जो बात करते हैं लोकल वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, जबकि हम इसमें करते हैं इनफॉर्मल में. क्लोकलिज्म बेशक हमारी लोकल लैंग्वेज होती है. यूज ऑफ वर्ड सच एज आई वी, फॉर्मल में जो होता है हम जो है हम यूज नहीं करते हैं आई ओ वी, जबकि इनफॉर्मल में हम आई ओ वी यूज करते हैं. यूजेज ऑफ स्लैंग, हम फॉर्मल में बिल्कुल स्लैंग जो है हम यूज नहीं करते, लेकिन इनफॉर्मल में हम स्लैंग यूज करते हैं. जैसे कि हम पंजाबी में भी अक्सर हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम गालियां, स्लैंग होता है बेसिकली गालियां वगैरह. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और लंबे होते हैं फॉर्मल में, जबकि इनफॉर्मल में शॉर्ट होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. यूज ऑफ इंटरजेक्शन एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी, इसमें जो है नो यूज ऑफ इंटरजेक्शन आर एक्सप्लेनेशन हम यूज नहीं करते हैं, जबकि देर इज अ रिक्वेस्ट यूज ऑफ इंटरजेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन मार्क्स, ठीक है जी, हम उसमें यूज करते हैं इसमें नहीं करते. यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस होता है और जबकि इनफॉर्मल में ज्यादा होता है. यूज ऑफ इमोशनल लैंग्वेज, इमोशनल लैंग्वेज का यूज नहीं होता फॉर्मल में लेकिन इनफॉर्मल में होता है. स्ट्रक्चरिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड्स आर परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड, जबकि इनफॉर्मल में ये परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड नहीं होते बल्कि लूजली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट है जी यूटिलाइजेशन है. फॉर्मल राइटिंग इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस, कारोबार के लिए यूज होती है. स्पेशली राइटिंग टू एनी क्लाइंट आर सुपीरियर, ठीक है, और प्रोफेशनल्स पर्पस के लिए, एजुकेशन और एकेडमिक पर्पस के लिए, जबकि इनफॉर्मल राइटिंग जो होती है किसके लिए होती है, पर्सनली ईमेल्स के लिए. पर्सनल आर क्विक इनविटेशन, इनफॉर्मल राइटिंग मे बी यूज विद केयर और इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बट
यूज विल बी वेरी रेयर। लेकिन क्या कहते हैं इनफॉर्मल मोस्टली हम वहां जहाँ फ्रेंकनेस होती है या हम लोग पर्सनली कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां यूज होती है। इंटेंडेड ऑडियंस हमें जो होता है इसमें फॉर्मल में पता होता है हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी है, ठीक है, बिजनेस पीपल है, यूनिवर्सिटी पीपल है, ये प्रोफेशनल है, स्टेक होल्डर्स हैं, जबकि जो हमारे इनफॉर्मल है वो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। एग्जाम्पल है जॉन इज बिलीव टू बी नॉट रिलायबल, ठीक है, ये माना जाता है कि जॉन जो है वो रिलायबल नहीं है, जबकि इनफॉर्मल में कहता है आई बिलीव दैट जॉन इज नॉट रिलायबल, डोंट यू नो, डोंट यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। उसे हम थोड़ा इनफॉर्मल में ऐसे क्लियर करके लिखते हैं, लेकिन फॉर्मल में जरा ट्विस्ट करके लिखते हैं, ठीक है जी। टाइम यूजेज मोर टाइम एंड एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मल राइटिंग, ज्यादा टाइम लगता है फॉर्मल राइटिंग लिखने में, लेकिन जब लेस एफर्ट होती है कम कोशिश करनी पड़ती है और टाइम भी कम लगता है इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है जी। ये मैंने एक आपको व्हाट्सएप व्यू दे दिया क्वेश्चन नंबर का। ये एक्सपोजिटरी जो इसका बे पार्ट है ये वही है सेम जो कल के लेक्चर में मैंने दिया था, तो होपफुली इसको हमें दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने ये यहाँ इसलिए लिख दिया ताकि आप इजीली जो है इसे देख सके और अपने पेपर में इसे दे मतलब यूज कर सके अपनी असाइनमेंट स्प्रिंग 2021, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि जी रीड पैसेज 24 से 30 तक के आपने जो सफात है वो ध्यान से पढ़ने, द कंटेंट इज अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ एकेडमिक एसे, किस पे बेस करता है, ये एकेडमिक एसे पे बेस करता है, ठीक है जी। कह रहे हैं राइट अ पर्सपेक्टिव ऐसे, आपने सॉरी डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आपने क्या लिखना है, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है ऑफ 150 वर्ड, ठीक है, 150 अल्फाज का एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। टॉपिक क्या है, आप विजिट टू अ संडे मार्केट, ठीक है जी, इतवार के दिन एक संडे मार्केट का विजिट किया, वहां पर जाना, ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आपको बताती चलूँ, आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक ऐसा होता है जिसमें आप किसी चीज को डिफाइन या डिस्क्राइब करते हैं, स्टोरी टेलिंग बेसिकली कह ले, वो डिस्क्रिप्टिव में आता है, ठीक है। मीन आपने कहीं गए हैं, आप ट्रिप पे गए हैं, कोई मैच देखने गए हैं, ठीक है, या आपके सामने कोई इंसिडेंट हुआ उसको जब आप डिफाइन करेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। अच्छा, यहाँ क्योंकि यूनिवर्सिटी प्लेजरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है तो मैंने यहाँ 2 आंसर्स दिए हैं, आप इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप थोड़ी मेहनत करें और दोनों ऐसे इसको मर्ज करने के बाद एक अपना जो है वो क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी प्लेजरिज्म नहीं आएगा। मीन कुछ ऊपर से सेंटेंसेस लेने, कुछ नीचे से, और स्टोरी को कंप्लीट करना, यानी कि ऐसे को। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं, कहते हैं जी लास्ट संडे आई अकम्पेन्ड माई मदर टू सेंटर मार्केट टू बाय थिंग्स, कहता है पिछले ही इतवार मैंने अपनी वालदा के साथ एक मुहिम बनाई कि हमें मार्केट जाना है सेंटर मार्केट की चीजें खरीदने के लिए। When we arrived at the market, जब हम मार्केट पहुंचे, the whole market was well decorated, तो पूरी मार्केट बहुत अच्छी सजी हुई थी एंड इल्यूमिनेटेड, और वहां चराका हुआ हुआ था। All the shopkeepers had decorated their shop beautifully to welcome the customers, तो कह रहे हैं शॉपकीपर्स ने दुकानों को सजाया हुआ था इसलिए मार्केट में ग्राहकों को खुशामदीद कहने के लिए। कमिंग टू द मार्केट सिंपली बिफोर अ फेस्टिवल सीजन वाजंट अ नाइस एक्सपर्टीज, कहते हैं जी फंक्शन कोई भी फेस्टिवल अगर आपका हो आपकी सोसाइटी में तो उससे थोड़ी देर पहले ही मार्केट जाना जो है वो क्या है वो एक अच्छा आइडिया या अच्छा वो नहीं है, टाइम नहीं होता, ठीक है। एवरीबॉडी हैड टू शॉप फॉर वन थिंग आर द ऑपोजिट, हर कोई क्या होता है वो एक चीज या उसके ऑपोजिट चीज खरीदने के लिए शॉप पर मौजूद होता है, देयरफॉर जिसके वजह से द प्राइस ऑफ मोस्ट कमोडिटीज वर क्वाइट हाई, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कीमतें जरा बढ़ा दी जाती हैं। वी मेड अवर वे केयरफुली थ्रू वेरियस सेक्शंस बाइंग लाइट्स दियास डेकोरेटिव आइटम्स फ्लावर्स एक्सेट्रा, तो कहता है हमने क्या किया, हमने बहुत एहतियात से अपना एक वे आउट निकाला या अपना रास्ता लिया और हमने क्या अपनी बहुत सारी चीजें खरीदी जैसे लाइट्स दिया ये भी लाइटिंग के लिए यूज होता है, डेकोरेशन के लिए डेकोरेटिव आइटम्स सजाने वाली चीजें और फ्लावर्स वगैरह। We also bought lots of sweets and another food stuff, और हमने बहुत ज्यादा मिठाइयां भी ली और कुछ
दूसरे खाने की चीजें भी। इट वॉज अ क्राउडेड मार्केट, ये एक हजूम से भरी हुई मार्केट थी। देयर वॉज मेनी स्ट्रीट वॉकर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली के दोनों तरफ में बहुत ज्यादा स्वीट्स बेचने वाले मौजूद थे। देवर शाउटिंग एंड अप्रोचिंग अस विद रिक्वेस्ट टू बाय देयर स्टफ, और वो क्या कर रहे थे, वो उन्हें चिल्लाकर उन्हें मुतवज्जा करना चाह रहे थे, और वे चाह रहे थे कि ये लोग उनसे क्या लें, उनसे स्टफ यानी कि उनकी चीजें उनसे खरीदे। इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू अवॉइड देम, हमारे लिए उनको अवॉइड करना जरा मुश्किल हो रहा था। द शॉपिंग बैग्स वी वर कैरिंग आउट हैवियर एंड हैवियर, और कह रहे जो शॉपिंग बैग हमने उठाए हुए थे वो भारी से भारी होते जा रहे थे क्योंकि वो सामान खरीद रहे थे। सो माई मदर आस्क्ड मी टू स्टैंड एट अ कॉर्नर विद द बैग, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम एक तरफ कॉर्नर पर इन बैग्स को लेकर खड़े हो जाओ। शी इंस्ट्रक्टेड मी, उन्होंने मुझे आगाह किया, मी नोट टू मूव आर टॉक टू स्ट्रेंजर, के मैं वहां से हरकत नहीं करूंगा और किसी भी अनजान शख्स से बात नहीं करूंगा। द क्राउड गॉट थिकर एंड थिकर, हजूम जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, एक कॉर्नर पर खड़े, आई वॉज ऑब्जर्विंग द मार्केट, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। द नॉइस एंड हीट वर इंक्रीजिंग, शोर और जो हजूम की वजह से वहां का दर्जा हरारत था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। आई ऑब्जर्व मेनी पेरेंट फेसिंग डिफिकल्टीज इन pacifying their children who were getting impatient in the crowd market. तो कह रहे हैं मैंने ऐसे बहुत सारे वालदैन को देखा जिनके बच्चे जो हजूम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि वहां हजूम बहुत ज्यादा बढ़ गया था मार्केट में। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका पहला ऐसे, आपने एक अपना उस पर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब यहाँ हम देते हैं जी सेकेंड आंसर है, प्लीज दोनों को मर्ज करके अगर आप लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। सेकेंड में आपको थोड़ा बता देती हूँ, इन द मार्केट, मार्केट में आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया, लेडीज हु वर हरिंग अप एज इट वॉज गेटिंग लेट, खवातीन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि ऐसे लगता था जैसे कि वो लेट हो रही है। सम पीपल वर bargaining while others were just looking at things and moving on, और कुछ लोग जो क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे, bargaining होता है वो जो प्राइस का रेट कम कर रहे थे, और कुछ जो थे क्या महज वो सिर्फ चीजों को देखते जा रहे थे और चलते जा रहे थे। There were so many fancy things, वहाँ बहुत ज्यादा फैंसी चीजें मौजूद थी, दैट वर अट्रैक्टिंग मी, जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर माई मदर टू कम, मैं अपनी माँ का इंतजार कर रहा था कि वो आए। सून शी केम विद सम मोर बैग्स इन हर हैंड, वो कुछ मजीद बैग्स के साथ आई जो उसके हाथ में थी। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया अबाउट द थिंग, उन चीजों के बारे में, दैट आई वॉन्टेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था। We then moved to the other street, हम फिर दूसरी गली की तरफ चले गए। From there, वहां पर we bought a few gifts, हमने कुछ तोहफे खरीदे, to be given to our family and friends, जो मैंने अपनी family और friends को देने थे। Then we came to the street, हम वापस गली में आए, that was full of food, जो के खुराक की चीजों से भरी हुई थी। Outlets, outlets होते जो markets वगैरह उन्होंने ताकतवर महसूस करने लगे या एनर्जी महसूस करने लगे। वी देन वेंट टू सी अदर शॉप्स सेलिंग डेकोरेटिव आइटम, फिर हम कुछ दूसरी शॉप पर गए जो कि मजीद कुछ डेकोरेशन का सामान बेच रही थी। वी बॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप्स एंड लाइट्स, हमने मुख्तलिफ किस्म के लैंप्स और रोशनाइयाँ खरीदी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, मसनू फूल खरीदे, एंड मेनी अदर थिंग, और बहुत सी दूसरी चीजें। एज वी वर लॉस्ट डन विद ऑल द शॉपिंग, जैसे ही हमने तकरीबन तमाम शॉपिंग मुकम्मल कर दी या खरीदारी मुकम्मल कर दी, वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स अवर कार, हम अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। ऑन द वे टू, उसी रास्ते पर, माई मदर केप्ट बाइंग स्मॉल स्टफ विच शी लाइक, इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजें खरीदती रही जो वो पसंद कर रही थी। वी हैड सो मेनी बैग्स, मेरे पास बहुत ज्यादा बैग्स थे विद अस हमारे साथ, दैट वी कुडंट होल्ड देम ऑल टुगेदर, जिन्हें हम बहुत ज्यादा सबको इकट्ठा नहीं पकड़ सकते थे। वी केप्ट द बैग इन द कार, हमने बैग्स को गाड़ी में रखा एंड स्टार्टेड ड्राइविंग बैक होम, और वापसी की तरफ हमने अपनी ड्राइविंग को जारी रखा। इट
took us a long time, हमें इसमें लंबा टाइम लगा to get out of the market, market से निकलने में, as we got stuck in our traffic jam, जैसा कि हम एक traffic jam में फंस गए थे, ठीक है, उसकी वजह से उन्हें वापस निकलने में काफी टाइम लगा. My mother and I were completely exhausted, मैं और मेरी वालदा बहुत ज्यादा थक गए थे. On reaching home, घर पहुंचने पर we breath a sigh of relief, हमने एक सुख का सांस लिया. So hopefully ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है समझाने का और पढ़ाने का, मकसद ये आपको पता होना चाहिए. इसमें लिखा कि अब आप इजीली अगर दोनों एसेस को मर्ज करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा सा जो है 150 वर्ड्स का एसे जो है वो आप लिख लेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 150 वर्ड जो है वो आपसे डिमांड किए गए. अच्छा, दोनों एसेस मैंने ऐसे सिलेक्ट किए जिसमें फेस्टिविटी की बात हो रही है, तो आप ईद का इवेंट ले सकते हैं, रमजान को कोट कर सकते हैं, ठीक है, या इसके अलावा कोई और जैसे शबरात वगैरह होता है आप उसे ले सकते हैं. इस तरह का कोई भी इवेंट डाल के, शादी का आप डाल सकते हैं कि आप शादी थी उसके लिए आपको चाहिए थी, मेहंदी के लिए चाहिए थी, तो इस तरह करके आप ये कर सकते हैं. होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप साथ साथ अपनी प्रेपरेशन जारी रखेंगे. नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 लेके आएंगे और उसका साथ सॉल्यूशन. सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज फॉर नाउ.